दुर्ग के जीआरडी आत्मानंद स्कूल में कार्यरत महिला शिक्षिका के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित शिक्षक संघ ने अपनी नाराजगी जताते हुए न्याय की गुहार लगाने पीड़िता शासकीय विभागों के चक्कर काट रही है। दुर्ग के जीआरडी आत्मानंद स्कूल में कार्यरत शिक्षिका के साथ 12 अक्टूबर को हुई छेड़छाड़ की घटना में विशाखा समिति की रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत नहीं किए जाने से आक्रोशित शिक्षक संघ ने अपनी नाराजगी जताई, जिसके चलते पीड़िता शिक्षिका को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाने से आक्रोशित छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने बुधवार की शाम संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग दुर्ग में ज्ञापन सौंपा। इस मामले में पीड़िता के पति ने संबंधित व्याख्याता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और अपना रोष जाहिर किया है। आपको बता दें, पीड़िता महिला शिक्षिका ने दुर्ग कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की है, जिस पर पुलिस का कहना है कि विशाखा समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही संबंधित व्याख्याता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शिक्षक संघ के लोगों ने प्रतिक्रिया दी। विगत 12 तारीख को स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल में प्रधान पाठिका ममता साहू के साथ में वहां के व्याख्याता के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जो वहां की प्रचार महोदया मैडम जो है संगीता नायर मैडम, उनके संरक्षण में ही होता प्रतीत हमको आज तक समझ में आया है। कल पीड़िता ने हमसे संगठन की तरफ से गुहार लगाई थी, जिस तारतम्य में आज हम संयुक्त संचालक महोदय से आज मिले हैं और उनसे मिलकर इस पर ठोस से ठोस कार्रवाई होने का निवेदन किया है और साथ ही साथ ये कहा है कि अगर आज पर्यंत तक के दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो कल हम CSP महोदय से इस तमाम प्रकरणों को लेकर संगठन जाकर मिलेगा और उनसे इसकी शिकायत करेगा। GRD स्कूल में प्रधान पाठक के पद पर कार्यरत ममता साहू जी के साथ विगत दिनों छेड़छाड़ की घटना को अरविंद मिश्रा जी के द्वारा अंजाम दिया गया था और इसको पीड़िता पक्ष के द्वारा संस्था प्रमुख को अवगत कराया गया, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार से उनके अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया गया और उच्च कार्यालय को सूचित करने के लिए कहा गया। संबंधित ममता साहू के द्वारा उच्च कार्यालय को सूचित करने के बाद 2 दिन के अंदर रिपोर्ट के लिए आदेश DO के द्वारा जारी किया गया, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, लेकिन आज पर्यंत तक उस रिपोर्ट की किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। और जानकारी 17 तारीख को उन्होंने विशाखा कमेटी की गठन के संबंध में प्राचार्य को निर्देश और पूरे सभी जिले के सभी प्राचार्यों को निर्देश जारी किया गया है ना। घटना घटने के बाद ये विशाखा कमेटी के गठन पर जारी का आदेश जारी करना कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि उच्च कार्यालय के द्वारा 20 मार्च को इसे जारी करने के लिए आदेशित किया जा चुका है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इसे अभी आदेश प्रसारित किया जा रहा है, तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कलेक्टर को भी संज्ञान में लाया गया है, लेकिन कलेक्टर के द्वारा भी इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व में भी इसी प्रकार की घटना हुई थी, अध्यापन कर रहे शिक्षिकाओं के साथ गाली गलौज किया गया था और कलेक्टर को इस पर भी हमने संज्ञान में लाया था, लेकिन उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो लगातार कहा जाए महिलाओं के साथ ये प्रताड़ना की घटना, उत्पीड़न की घटना हो रही है। आगे आप क्या चाहते हैं? हम इस पर एक बड़ी कार्रवाई चाहते हैं कि तत्काल आरोपी अरविंद मिश्रा को निलंबित किया जाए और उनको संरक्षण देने वाले को तत्काल इस कार्यालय से अन्यत्र पदस्थ किया जाए। संरक्षण देने वाले श्रीमती संगीता नायर जी प्राचार्य। ये जो घटना घटी है ये हमारे लिए तो दिल दहला देने वाला है और हम तो ये सोच रहे थे अब तक कि हमारी प्राचार्य, DO साहब और कलेक्टर इस बात को सुनते ही त्वरित आरोपी को निलंबित कर देंगे और कुछ ना कुछ ठोस कार्यवाही होगा, परंतु बहुत दुख हो रहा है कि ऐसी जानकारी मिलने के बाद भी सभी आचार संहिता का नाम लेके शांत बैठे हुए हैं, किसी ने भी कोई भी कार्यवाही नहीं की। हम इस बात से बहुत दुखी हैं और आशंकित भी हैं कि हम और हमारे बच्चे कितना सुरक्षित। मेरे साथ घटना हुई और उस घटना की सबसे पहले जानकारी मैंने प्राचार्य को दी और प्राचार्य के द्वारा इस घटना को किसी को नहीं बताने और लिखित में नहीं देने के लिए मुझसे कहा कि मुझे बोल के बहला फुसला के मुझे घर भेज दिया गया। जब मैंने घटना घर में बताई, मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और उसके बाद मैं प्राचार्य को जब लिखित में आवेदन दी तो वो आवेदन लेने से इनकार कर दी। उन्होंने सीधे बोला वो मिश्रा ऐसा नहीं कर सकता है और तुम उस पर झूठा आरोप लगा रही हो, ये उनके वर्ड्स थे। उन्होंने आवेदन तक स्वीकार नहीं किया, तब मुझे मजबूर होके जिला शिक्षा अधिकारी को मैंने वो आवेदन दिया। उन्होंने बात जैसी भी सुनी और
किसी मैडम से बात शेयर करने बोली और उसके बाद उनको दिया गया। उसके बाद भी कोई भी उस पर कार्यवाही नहीं हो रही थी। 12 तारीख की घटना है और आज 18 तारीख है अभी तक, और कलेक्टर को भी मैं सूचित कर चुकी हूँ। कलेक्टर ने बोला था कि एक दिन पे इस पर रिपोर्ट बनेगी, डीओ ने बोला दो दिन में रिपोर्ट बनेगी, आज तक इसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई। चाहती हूँ उस पर जल्दी से जल्दी इस पर कार्यवाही हो, जो आरोपी है उस पर भी, और जो जिसने उसको शह दिया है, मतलब अगर संस्था प्रमुख ऐसी गलत कामों को शह दे रही हैं तो मेरे स्कूल की मैं, मेरे साथ की महिला शिक्षिकाएं और इतनी सारी बच्चियां, उन सब के लिए एक ये असुरक्षित माहौल बनता है और वो बहुत डर के यहाँ पर अपना जो भी अध्ययन अध्यापन कार्य कर रहे हैं। मैडम लगता है कि वही तो बात है, यहाँ संस्था प्रमुख संगीता नायर के साथ डीओ सर भी अगर इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जल्दी कर नहीं रहे हैं, और कलेक्टर सर, मैं सभी से, मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये पूरे सारे जो चैनल हैं ये सब इसमें लेट करने, क्योंकि जब इनके हाथ में है, जब इनके हाथ में है तो फिर ये तुरंत इसमें निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं। कम से कम जांच तो शुरू की जाए, आज पर्यंत जांच शुरू नहीं हुई है तो मैं क्या मानूं कि मेरे साथ न्याय होगा, बताइए, जब जांच ही शुरू नहीं हुई है तो। ग्रैंड एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।